हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे और वो भी फ्रेश गाजर, क्योंकि जो गाजर हमें ये विंटर सीजन में मिलती है वो हमें दूसरे सीजन में नहीं मिलती है। ये बहुत ही हेल्दी होती है, बिकॉज एज अ सीजन फ्रूट कोई भी आप खाइए वो हेल्दी ही होता है। और ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है गाजर। आप चाहो तो इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। यहाँ पर हमने एज अ डेजर्ट तैयार किया है। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें गाजर चाहिए। फ्रेश गाजर लिए हमने 1.5 किलो। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। और इसको मैंने एकदम अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने, और इसमें 1 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच जितना घी डालेंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाता है तो अब आप इसमें जो हमारी ग्रेटेड कैरेट्स है वो एकदम अच्छे से डाल दीजिए। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम तक चलाएंगे। ये देखिए, इसमें से पानी काफी हद तक जल चुका है और जो गाजर है हमारी कम दिख रही है। देखिए कैसे इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, बिकॉज इसमें से बहुत सारा पानी जल चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 लीटर जितना मैंने दूध इसमें मिलाया है, क्योंकि गाजर हमने 1.5 किलो ली है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, 1 लीटर जितना मैंने इसको दूध मिला है इसमें, क्योंकि मैं इसमें मावा नहीं मिलाने वाली हूँ, खोआ नहीं मिलाने वाली हूँ। और ये इलायची है, इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हो। मैंने 3 इलायची को क्रश किया है और उसमें ऐड किया है। आप चाहो तो केसर भी डाल सकते हो इसमें। देखिए, हम इसको गर्म करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये पूरा दूध इसमें से बर्न नहीं हो जाता है। देखिए, दूध धीरे धीरे कम हो रहा है। गाजर में ये दूध की मिठास जाएगी, तो हमें इसमें शक्कर भी बहुत कम ही ऐड करनी है। ये देखिए, इसमें पूरा दूध जल चुका है, पूरा बर्न हो चुका है दूध इसमें से। अब इसको कंटिन्यू चलाना है। जब आप देखोगे कि इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाता है, तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। बट उससे पहले आप कंटिन्यू इसको 2 मिनट तक चलाते रहना, जब तक कि इसमें से धुआं निकलना बंद नहीं हो जाता। देखिए, शक्कर लिए मैंने 150 ग्राम जितनी शक्कर ली है, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दूध की मिठास भी रहेगी और गाजर भी मीठी होती है। इसको भी चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें से शक्कर एकदम अच्छे से मिल नहीं जाती है, घुल नहीं जाती है। अब ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर किशमिश, पम्पकिन सीड्स, काजू और बादाम लिया है। इसको 2 मिनट तक एकदम अच्छे से चला लीजिए, मीडियम फ्लेम पे चला लीजिए और कंटिन्यू इसको स्टर कीजिए। ये देखिए, हमारा हलवा एकदम फास्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। आप इसको चाहो तो गरम गरम सर्व कर सकते हो, और अगर आपको ठंडा पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पर हो जाए तब आप इसको सर्व कर सकते हो। एंड हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ है जो आपका वेट कर रही है। एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़। थैंक यू।